दो सगे भाइयों ने खाया भूनकर सांप, और जब छाया दोनों को बेहोशी तो उनके परिजनों ने लाया सदर अस्पताल इलाज के लिए दो मासूम बच्चों पर सुंदर आकर्षक और गठीला शरीर बनाने का चढ़ा करेज। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं सजा समाचार। बिहार के जमुई जिले के दो मासूम बच्चे यानी एक 5 वर्षीय और एक 10 वर्षीय दो सगे भाइयों को चढ़ा सुंदर आकर्षक गठीला और ताकतवर शरीर बनाने का इस प्रकार का करेज कि सारी हदें पार करते हुए उसने जहरीले सांप को भूनकर खा लिया। आपको बता दें कि यह घटना है बिहार के जमुई जिले के खड़ुई निवासी मोहम्मद मजलूम के 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुराजीर और 10 वर्षीय पुत्र फहद अजीम, जिसके ऊपर बचपन में ही मासूमियत में ही चढ़ा सुंदर आकर्षक गठीला और ताकतवर बॉडी बनाने का करेज, और अपने एक मासूम मित्र के प्रेरणा उपरांत उसके मासूम मित्र ने ही प्रेरित किया कि अगर तुम जहरीले सांप को भूनकर खाते हो उसका मांस, तो तुम्हारा शरीर सुंदर आकर्षक गठीला और ताकतवर बन जाएगा। और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उस दोनों मासूम बच्चे ने कहीं से किया एक मरे हुए सांप का जुगाड़, और सांप को लाने के उपरांत लकड़ी का किया जुगाड़, लकड़ी का जुगाड़ कर उसी लकड़ी पे जलाया अलाव, और उस लकड़ी के अलाव पे रखा जहरीले मरे हुए सांप के शरीर को, और जब वह सांप भून गया तो खा लिया वो दोनों मासूम सगे भाई ने, इस उम्मीद में कि इस सांप को यदि हम खाते हैं तो हमारा शरीर सुंदर आकर्षक और गठीला ताकतवर हो जाएगा। उस भुने हुए जहरीले सांप के बॉडी के कई पार्ट के टुकड़े को खा लिया, और खाने के उपरांत उस बच्चे पे किया हो उस सांप का जहर का असर या उसके अंदर छाया हो भय कि हमने खा लिया है जहरीले सांप का मांस, दोनों बच्चों के अंदर छाया बेहोशी। दोनों बच्चों के माता पिता को जब इस बात की खबर लगी और बच्चों को पाया बेहोश, तो दोनों बच्चों को लेकर के उसके परिजन पहुंचे सदर अस्पताल जमुई, और वहां इलाज उपरांत जब दोनों बच्चों की स्थिति हुई समान, इससे पहले जब यह खबर फैली कि जमुई सदर अस्पताल में दो ऐसे बच्चे पहुंचे हैं, मासूम बच्चे जो अपना सुंदर आकर्षक गठीला और ताकतवर शरीर बनाने के लिए सांप को ही, जहरीले सांप को ही भून करके खा लिया और छा गया उसको बेहोशी, उसके माता पिता पहुंचे हैं इलाज के लिए लेकर के सदर अस्पताल, तो उस दोनों मासूम बच्चे को देखने के लिए लोकल यानी क्षेत्रीय लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा सदर अस्पताल जमुई में। और क्या कहें कि आखिर उस बच्चे को हर लोगों के देखने आने वाले लोगों के जुमा पे ही था कि आखिर बिहार के बच्चों को क्या हुआ कि इतने मासूम छोटे छोटे बच्चे जो महज 5 वर्ष और 10 वर्ष के हैं, उसके ऊपर सुंदर कठिला ताकतवर के लिए इस हद जा सकता है, भून कर खा सकता है, या उसके अंदर आखिर आई तो आई कहां से प्रेरणा? क्या अपने दोस्त के प्रेरणा से हुआ प्रेरित, या था कुछ और इसका उजागर नहीं हो पाया। इसी प्रकार की अन्य घटनाओं को लेकर के पुनः हो गए हाजिर। यदि आपने अब तक मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपना सपोर्ट। बन रहे सजन समाचार के साथ, नमस्कार।